तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और फ्रेंड आज का क्वेश्चन हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा पर्टरबेशन थ्योरी से लिया हुआ है और ये क्वेश्चन जून 2014 में आया हुआ है। और फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन फॉर द पोटेंशियल दिस वेयर डेल्टा एक्स इज द डेल्टा फंक्शन इज गिवन बाय साई एक्स इज इक्वल टू दिस। If the perturbation h dash is equal to v x square is applied to the first order correction to the energy of the ground state will be options are a b c and d। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियल दिया हुआ है v x is equal to minus delta x, यह आपको यहां पर दिया हुआ है। और फ्रेंड एक आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स, यह आपको दिया हुआ है। और फ्रेंड यहां पर आपको पर्टरबेशन दिया हुआ है एच डैश इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड इन सभी चीजों के लिए मतलब आपको इस पर्टरबेशन के लिए और इस पोटेंशियल के लिए और इस वेव फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करना है एनर्जी में। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट। तो फ्रेंड्स गिवन डेट में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन एक्स, ये हमको दिया हुआ है ई की पावर माइनस के अल्फा मॉड एक्स, ये हमारे पास है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वी एक्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है माइनस का डेल्टा एक्स। और फिर आपको यहाँ पे एच डैश यानी कि आपको यहाँ पे पटर्ब हैमिल्टोनियन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है वी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर चीजें दी हुई हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं अनपटर्ब हैमिल्टोनियन, मतलब हम यहाँ पे टोटल हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा टोटल हैमिल्टोनियन होगा एच, ये हमारे पास होता है एच नॉट प्लस का, यह हमारे पास होता है एच डैश एक्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अब सपोज करो हमारा एच नॉट कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमको यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे दी हुई है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा जो एच नॉट होगा इसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये हमारे पास है माइनस का, अब आप देख सकते हैं वी एक्स की वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स। और फ्रेंड यहाँ पे एच डैश की वैल्यू आपको क्या दी हुई है वी एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास है। तो आपने देखा फ्रेंड्स इस तरीके से ये तो हमारा एच नॉट हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे एच नॉट मानेंगे, ये हमारे पास एच नॉट है और ये हमारे पास क्या है पटर्ब हैमिल्टोनियन एच डैश एक्स, तो ये हमारे पास है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इस पटर्ब हैमिल्टोनियन की वजह से जो हमारा एनर्जी में चेंज हो रहा है हम उसमें फर्स्ट ऑर्डर चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर चेंज इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हम यहाँ पे अब क्या निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो फ्रेंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये हमारे पास होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हम किस में निकाल रहे हैं यहाँ पे एनर्जी में, वो भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, ये हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है E dash is equal to, E dash का मतलब है E1 और 1 रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड स्टेट को, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका साइन और साइन और रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड स्टेट को। फिर हमारे पास हो जाएगा एच डैश, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनपटर्ब हैमिल्टोनियन को, और फिर हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे साइन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन नॉट की वैल्यू आपको क्या दी हुई है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये हमारे पास है और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे a। अब साइन नॉट की वैल्यू हम लगा देंगे e की पावर माइनस के अल्फा मॉड x, ये हमारे पास हो जाएगा। और h डैश की वैल्यू हमको क्या दी हुई है v x स्क्वायर, ये हम लगा देंगे और a e की पावर माइनस के अल्फा मॉड x, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास dx इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारा ये a है, ये a है तो ये मॉड a हो जाएगा इस तरीके से। और फ्रेंड यहां से हमारा बी बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ये हमारे पास बी बाहर आ जाएगा। और अब फ्रेंड देखिए ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से टू बाहर ले सकते हैं, तो ये टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जीरो से इंफिनिटी इस तरीके से जा जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर माइनस के टू एल्फा मॉड एक्स, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स। अब देखिए हमने जीरो से इंफिनिटी कर लिया, मतलब जीरो से इंफिनिटी का मतलब क्या है कि हमारी ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो फ्रेंड पॉजिटिव एक्सिस में जो मेरा मॉड एक्स होगा वो भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि जो हमारा मॉड एक्स होता है फ्रेंड्स मॉड एक्स की वैल्यू प्लस का एक्स होती है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो,
और यहाँ पे मोड एक्स की वैल्यू माइनस का एक्स होती है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, हमने यहाँ पे जीरो से एक्स यानी कि जीरो से इन्फिनिटी वाला केस लिया हुआ है यहाँ पे, तो मेरा जो ये मॉड एक्स होगा ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास टू ए स्क्वायर बी, फ्रेंड्स ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी और आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एल्फा एक्स और फ्रेंड डी एक्स। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया ई प्राइम यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी में करेक्शन आ गया है। तो एक बार हम इसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, तो E प्राइम इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा फ्रेंड इस तरीके से 2a यानी कि 2b a स्क्वायर ये हो जाएगा और जीरो से इंफिनिटी, फिर हमारे पास x स्क्वायर e की पावर माइनस के 2 अल्फा x और फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका dx। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है यार, अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ये हमको पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फिजिक्स, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फिजिक्स, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इंटीग्रेशन होता है जीरो से इन्फिनिटी, ये हमारे पास होता है एक्स की पावर एन और ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। यहाँ पे हम अल्फा नहीं लेते, हम यहाँ पे ए ले लेते हैं क्योंकि अल्फा ऊपर लिया हुआ है हमारा, तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ए कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई और हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ए, ये हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, तो ये हमारे को क्या दिया हुआ है जीरो से इन्फिनिटी, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस के टू अल्फा और एक्स और इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है टू, तो ये तो जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल टू और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फ्रेंड्स ए है मेरे पास टू अल्फा, तो ये हो जाएगा मेरे पास टू अल्फा और यहाँ पे हम लगा देंगे इसको थ्री क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है टू और टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा फ्रेंड्स टू, हम इसको यहाँ पे टू लिख लेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास एट और ये आ जाएगा आपके पास अल्फा क्यूब। तो फ्रेंड्स आपकी ये वैल्यू निकल कर आ चुकी है इस तरीके से। तो अब हमको जो इंटीग्रेशन दिया था तो फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, अब आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो फ्रेंड्स ये मेरे पास हो जाएगा e डैश इज इक्वल टू और आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे टू बी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टू बी ए स्क्वायर और फ्रेंड्स अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारे पास आई है सॉरी टू, ये हमारे पास है फ्रेंड्स टू अपॉन एट अल्फा क्यूब इस तरीके से। अब फ्रेंड्स जो हमारा फोर हो गया तो फोर से हमारा एट कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास e डैश इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू अल्फा क्यूब। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को पुट कर देंगे, क्लियर है। तो ई डैश इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर अपॉन टू अल्फा क्यूब, ये हमने यहाँ पर इन चीजों को पुट कर दिया, तो बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे ई डैश को कैलकुलेट किया हुआ है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक करेंगे, तो अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शन को चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करें तो कहीं पर भी मेरा ऑप्शन में ए नहीं आ रहा है और नीचे सब में अल्फा स्क्वायर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमको यहाँ पे अपना वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अपने इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बस। अब इसी चीज के लिए हम फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना, अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का। तो फ्रेंड जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड जो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये होता है हमारे पास साइन स्टार, फिर हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब फ्रेंड्स साइन स्टार की वैल्यू क्या है ए, ये हमारे पास है ई की पावर माइनस का, ये हो जाएगा अल्फा मॉड एक्स और फ्रेंड्स फिर हम साइन की वैल्यू लगाएंगे ए, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के अल्फा मॉड एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहां से हमारे पास ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अब फ्रेंड्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, इसको मैं यहाँ पे टू लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टू अल्फा, ये हम उसको क्या लिख लेंगे मॉड एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब हम फ्रेंड इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं
तो ये सॉरी अल्फा था, ये हमारे पास अल्फा भी आएगा, तो इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा x इस तरीके से। क्लियर फ्रेंड्स? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मॉड एक्स था, तो हमारा ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में हमारा मॉड एक्स कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 अल्फा और e की पावर माइनस के 2 अल्फा x, और फ्रेंड्स जो हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 2, और आप इसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर, ये हमारे पास कितना था, आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2 अल्फा। अब हम फ्रेंड यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितना था, e की पावर माइनस के 2 अल्फा x, ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू फ्रेंड्स 1। अब यहां से आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का 1/अल्फा, और यहां से अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 हो गया। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा दिस, और फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है फ्रेंड्स यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू फ्रेंड्स 1। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो आप देख सकते हैं यहां से फ्रेंड्स हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अल्फा आ चुकी है, तो ए स्क्वायर मेरे पास अल्फा आ चुका है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फ्रेंड्स अब मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ई डैश इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा क्यूब, तो ये आ जाएगा मेरे पास बी अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, और फ्रेंड्स यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, बी अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार फ्रेंड्स अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है ना फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए ये हमारा रूट में आ रहा है, हो नहीं सकता, ये सिर्फ अल्फा स्क्वायर आ रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा अल्फा स्क्वायर आ रहा है ये नहीं हो सकता, और ये हमारे पास राइट ऑप्शन है डी बी अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। तो फ्रेंड इस तरीके से हम यहाँ पर अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कितना आया है, तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर भी कितना है, बी अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, मींस ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या यहाँ पे फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।